हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप विंडोज के साथ साथ लिनक्स भी यूज करते हैं, वो कोई सा भी लिनक्स हो, लिनक्स मिंट हो, फेडोरा हो, उबुंटू हो, या फिर मंजारो हो, कोई भी लिनक्स हो, अगर आप विंडोज के साथ साथ लिनक्स भी यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर आएगा। और ये बहुत सारे लोगों को आ चुका है और ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए, पहले मैं ज़्यादा बात ना करते हुए असल प्रॉब्लम को आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद में इसका सल्यूशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, उसे दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम जानने के लिए पहले मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद देखिए, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे मेरा सभी जो अदर लोकेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये मेरा ड्राइव है। मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है और एक दूसरा ड्राइव भी है, SSD। वो SSD ड्राइव 240 GB का है और जो हार्ड ड्राइव है वो है 1 TB का। ये जो दो ड्राइव आप देख रहे हैं, 215 GB और 24 GB, ये दोनों मिलके मेरा SSD बनता है। और 943 GB ये जो है, और ये कंप्यूटर जो दिखा रहा है 27.9 GB, ये दो मिलके मेरा हार्ड डिस्क, मतलब जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होता है वो बनता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं इस ड्राइव को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फाइल है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करूँ, ऐसे मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दबा रहा हूँ, लेकिन देखिए जो न्यू फोल्डर का ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रे में दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्टिव नहीं है। अगर आप मान लें कि मैं यहाँ पे किसी और फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, तो चलिए जैसे मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, अगर इस फोल्डर के अंदर जाके भी मैं कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ तब भी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं किसी दूसरी जगह से किसी चीज़ को कॉपी करना चाहता हूँ, समझ लिए कि मैं ये जो गेम फोल्डर है इसमें एक फोल्डर को मैं कॉपी करता हूँ, तो देखिए कॉपी मैं कर सकता हूँ, ये ग्रे नहीं है, तो मैं कॉपी किया। और अगर इसको मैं किसी दूसरी जगह यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, ये भी ग्रे में है, मतलब इनएक्टिव है। तो फिर असल जो माजरा है वो है, मैं यहाँ पे किसी भी ड्राइव पे, ये सिर्फ एक ड्राइव के साथ नहीं हो रहा है, बाकी सभी ड्राइव पे, इस ड्राइव पे भी मैं देखिए कोई फोल्डर नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। अगर दूसरी ड्राइव यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मैं कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कोई भी दूसरा ड्राइव, सिर्फ जिस ड्राइव में ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उस ड्राइव को छोड़ के बाकी कोई भी ड्राइव पे अगर देखेंगे तो मैं किसी भी ड्राइव में कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियो में देखते होंगे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और प्रॉपर्टी में जाऊँगा और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ परमिशन में आके मैं अगर सभी जगह पे क्रिएट एंड डिलीट फाइल इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी क्रिएट एंड डिलीट, यहाँ पे भी एक्सेस परमिशन क्रिएट एंड डिलीट, यहाँ पर भी एक्सेस परमिशन क्रिएट एंड डिलीट, ये करके अगर मैं इसे अगर सेव कर देता हूँ तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में दिखाया जाता है, लेकिन मेरे मानिए ये प्रॉब्लम एक्सेस परमिशन का नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी कोशिश कर ले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम असल में फाइल सिस्टम में है, मतलब विंडोज में जो NTFS फाइल सिस्टम यूज होता है, ये प्रॉब्लम उस NTFS फाइल सिस्टम से जेनरेट होके आता है। तो इसको सॉल्यूशन और कैसे करें हम, बहुत ही आसान है। पहले आप जिस ड्राइव को राइटेबल मतलब रीड राइट एक्सेस पाना चाहते हैं
उस ड्राइव को देखिए। जैसे कि मैं अगर इस ड्राइव को रीड राइट एक्सेसिबल करना चाहता हूँ, तो देखिए इस ड्राइव में इधर पे आ जाइए और देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है। इसका नाम है /dev/sdb1। ऐसे ही करके आप सभी ड्राइव का नाम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें /dev/sda4, ऐसे ही बाकी ड्राइव का भी नाम होता है। तो जिस ड्राइव को आप रीड और राइट एक्सेस करना चाहते हैं, उस ड्राइव का पहले नाम देख लीजिए। मेरे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस ड्राइव को करना चाहता हूँ, तो इस ड्राइव का नाम को मैं एक जगह पे लिख के रख लेता हूँ। अब इसे क्लोज करता हूँ और आ जाता हूँ मेरे टर्मिनल पे। देखिए मेरा यहाँ पे टर्मिनल रखा हुआ है, इसे क्लिक करते ही मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे टर्मिनल नहीं है, तो आप ये जो नीचे बहुत सारे डॉट है, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन को ये दिखा देगा, और सर्च के इस जगह पे टाइप कीजिए टर्मिनल, तो देखेंगे आपका टर्मिनल लिखा हुआ एक चीज आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको लिखना है sudo sudo ntfs fix fix ntfs fix, और उसके बाद आपका जो ड्राइव का नाम था उसे टाइप करना है, मतलब /dev/sdb1 और फिर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे कंप्यूटर आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, आप अपना पासवर्ड दे दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि NTFS partition /dev/sdb1 was processed successfully, और ये सिर्फ काम है। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए और दोबारा से अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोबारा आप उसी जगह पे रिटर्न जाइए और देखिए यहाँ पे जो ड्राइव है, इस ड्राइव को आपको करना है अनमाउंट। अनमाउंट कैसे करें? आप ड्राइव पे राइट क्लिक करके अनमाउंट कर सकते हैं, या फिर ड्राइव के सीधे में जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है इजेक्ट का, इसे भी क्लिक कर सकते हैं। ये ड्राइव अनमाउंट हो जाएगा। अब इस ड्राइव को आप दोबारा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ड्राइव फिर से माउंट होगा, और तब आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि न्यू फोल्डर का ऑप्शन एकदम आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, सब कुछ अब आ रहा है। अब आप यहाँ पे अपनी मनचाही जो काम है वो कर सकते हैं। तो यही है इसका सोल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।